अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत इस बार 19 सितंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसकी कथा क्या है। अनंत चतुर्दशी सर्वप्रथम पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में ये कथा है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गए तो माया महल का दृश्य देखकर धोखा खा गए। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत होती थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वो तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहते हुए वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट गई हैं। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, इससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ कराया तो कर्कशा ने विदाई में अपनी जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दिए। ऋषि को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वो दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ ले गया। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी ये व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांध कर ऋषि के पास आकर बैठकर सारी बातें बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाला, इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जला दिया। इसके बाद ऋषि ने बहुत पश्चाताप किया और अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वो एक दिन भूमि पर गिर पड़े। जब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और दोबारा संपन्न हो जाओगे।